हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट की एग्जिट स्ट्रैटेजी। चाहे आपके म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक आप इफेक्टिव एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाना है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सक्सेसफुली मीट कर सकें। हर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, चाहे फंड मैनेजर हो या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, ये सब अपने पैसे लगाने से पहले ही प्लानिंग के टाइम पे एक एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है और आपको कब और कैसे एग्जिट करना चाहिए, तो आप हमारा वीडियो ये पूरा देखिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी हर इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट है कि उसका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। तो लेट्स टेक डिफरेंट सिनारियोज। पहली एग्जिट स्ट्रैटेजी है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल था कि हाँ, मुझे मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे 50% रिटर्न चाहिए और वो अचीव हो जाता है, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देना चाहिए। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वन है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल या फाइनेंशियल गोल अचीव हो गया है टाइम से पहले, तो आप अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स से एग्जिट करें और कोई लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे FD या लिक्विड फंड्स में उनको शिफ्ट कर दें। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर आपको मनी स्पेसिफिकली चाहिए अपने बच्ची की शादी के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए, और आपको मालूम है कि मुझे 12 साल के बाद पैसा या 10 साल के बाद पैसा चाहिए ही चाहिए, तो इररेस्पेक्टिव आपका इन्वेस्टमेंट गोल अचीव हुआ है या नहीं, आपको 1 या 2 साल पहले उससे उस रिस्की इन्वेस्टमेंट से निकल के एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालना है जैसे FD या लिक्विड, एंड अपना पैसा 1 साल के बाद निकाल लेना है। तो ये आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी 2 है कि जहाँ पे आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, इररेस्पेक्टिव आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, आपको 1-1.5 ईयर पहले आपको एग्जिट ले लेना है अपने इन्वेस्टमेंट से, स्पेशली इफ दे आर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो डेट इन्वेस्टमेंट है और आपको मालूम है कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद मुझे 100 रुपये मिलने वाले हैं, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं डेट इन्वेस्टमेंट से। अगर लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है जैसे इक्विटी हुआ, स्टॉक्स हुआ या रियल एस्टेट हुआ फॉर दैट मैटर, इमेजिन आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 करोड़ हो गई और आपको बस 1 करोड़ चाहिए, लेकिन जब आप उसको बेचना चाहोगे मार्केट में, आप उसको बेच नहीं पाओगे क्योंकि रियल एस्टेट बहुत ही लिक्विड होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1-2 साल पहले ही अपने रियल एस्टेट को लिक्विडेट कर दें और उसको FD या लिक्विड फंड में डाल दें। ये आप लॉन्ग टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं सिप में, या आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10-15 ईयर्स या 5 ईयर्स से ज़्यादा के लिए, और वो अचीव होने वाला है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। सो आपका कॉर्पस, इमेजिन आपने 10 लाख डाले थे, अगले 15 साल के बबाद वो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और आपके बच्चे को अगले साल या अगले 1-2 साल में US या बाहर ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना है, तो इस केस में आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चाहे अचीव हुआ है 1 करोड़ का या फिर 85 या 90 लाख पे है, आपके बच्चे के एजुकेशन या बाहर जाने के लिए बस 2 साल बाकी हैं। सो द सेफेस्ट ऑप्शन इस सिनारियो में होता है कि आप अपना एग्जिट कर लीजिए मार्केट से, 85 या 90 रुपीज जो भी हुआ है आपका 100 के बदले, आप वहां से एग्जिट करिए और एक FD या लिक्विड फंड में उसको पार्क कर दीजिए, क्योंकि आप इस सिनारियो में अफोर्ड नहीं कर सके कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए। इमेजिन नेक्स्ट ईयर आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना है US में पढ़ने के लिए, एंड गॉड फॉरबिड कोरोना हो जाए, तो इस सिनारियोज में मार्केट 30-40-20-50% गिर सकता है। तो हमने देखा था ग्लोबल रिसेशन में मार्केट ऑलमोस्ट मोर देन 30-40% गिर गया था, अभी हमने कोरोना में देखा कि ऑलमोस्ट 20-30% मार्केट गिरा था, तो ये रिस्क आप नहीं उठा सकते एंड के 1 ईयर। अब हम देखते हैं तीसरा इन्वेस्टमेंट सिनारियो। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपकी रिस्क एपेटाइट को देख के आपके लिए एक एसेट एलोकेशन बनाया है, से 25% इनटू इक्विटीज, 25% इनटू डेट और 25% इनटू रियल एस्टेट, जो भी रीजन के वजह से कोई एक एसेट ने बहुत ही अच्छा कर दिया और बहुत ही अच्छे रिटर्न दे दिए और उसके वजह से आपका उस एसेट के अंदर एक्सपोजर 50% हो जाता है। सो इमेजिन आपका इक्विटी एक्सपोजर, क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छे हुए, 25% जो है 30% आपका इक्विटी में लगा हुआ है, वो 50-60% हो जाता है। सो आफ्टर अ ईयर सीइंग व्हाट योर एसेट एलोकेशन शुड बी, आपको अपना रीएलोकेट कर देना चाहिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर देना चाहिए इनटू द करंट एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। तो ये आपको जरूर करना है,
इसके लिए आप अपने फंड मैनेजर से भी बात कर सकते हैं या आपके एडवाइजर से बात कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सके। फोर्थ सिनेरियो ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो आप रिव्यू कर रहे हैं, आपने किसी स्मॉल कैप या मिड कैप या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है और वो रेगुलरली 1-2-3 साल से बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है अपने पेयर्स के अगेंस्ट और अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट। सो उस केस में उसकी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना है और अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना है। एक और सिनेरियो ये है कि इमेजिन कोई फंड मैनेजर फॉर व्हाटएवर सेबी के रूल की वजह से म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हो जाए। सो जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम मल्टी कैप फंड रख ही नहीं सकते, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलाउड नहीं है, या तो आपको लार्ज कैप करना है या मिड कैप करना है या स्मॉल कैप करना है, या फिर कोई फंड का स्मॉल कैप और मिड कैप मर्ज हो जाता है, तो इन केस में अपने उस इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करके चेंज करना जरूरी है। एक और इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है कि आप ओल्ड आदमी हैं और आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करी है और आपको अपने डेली खर्चे के लिए 10-15-20 हज़ार रुपये चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 75 साल के हो गए हैं और अपने सारे ही इन्वेस्टमेंट्स से आप एग्जिट कर लें। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना है। आपको सारा अपना इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं निकालना है, बट बल्कि आपको एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वैसे ही एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, जहाँ पे अपना आप एक फिक्स एक्सपेंसेस हर महीने निकाल सकते हैं। सो ये हो गया रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए जो रिटायर हो गए एंड अगले 10-15 साल तक वो ऑब्वियसली अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, और अच्छी बात है जितना लंबा आप जिए उतने ही लंबी आपकी इन्वेस्टमेंट चलनी चाहिए। तो इसीलिए आपको एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना है, या तो आप 10% उसमें से निकाल दीजिए, मंथली आप एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट जो आपका एक्सपेंस है उसको आप हर महीने विड्रॉ करते जाइए और मेक श्योर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता जाए, क्योंकि आजकल हेल्थ में इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं कि आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो और अच्छी बात है अगर आप 100 साल तक जिए, तो उन केसेस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को करेक्ट करना जरूरी है। एक और चीज़ है कि आपको अपने फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी आँख बंद कर दें और उससे सोचें कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो वैसा होता नहीं है। या तो ऑस्ट्रिच के जैसे आप ना सर जमीन के अंदर डालो और सोचो कि मुझे शेर नहीं खाए, वह उस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कोई इंडिया में आइसोलेटेड नहीं है, मैक्रोज जो वर्ल्ड में हैं वो हमको भी इम्पैक्ट करेंगे और हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ही भी इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर फंडामेंटल्स चेंज होते हैं इकोनॉमी में, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने एडवाइजर से बात करें, या फिर अगर आप रिव्यू कर सकते हैं तो उसको रिव्यू करके, डिपेंडिंग कि अगर इन्वेस्टमेंट रिस्क एपेटाइट अच्छा है लोगों का या आपको लगे कि, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक तरीके से आप सोचिए, कोविड से पहले इतना यूफोरिया था इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में कि हर कोई आदमी जिसको इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं आते, वो क्रिप्टोज में भी इन्वेस्ट कर रहा था, वो स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा था, वो सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा था, थिंकिंग कि मेरा तो पैसा बनने ही वाला है। सो जब ऐसा एंथुजियाज्म आप मार्केट में देखें कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और हर कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बन गया है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ लेमैन तरीका है जज करने का कि ओवर पार्टिसिपेशन आप देखें, कि आप फंडामेंटल्स ऐसे भी जज कर सकते हैं सर्टेन पैरामीटर्स को देख के, राइट। सो आप देखें कि वॉट इज द मार्केट का पी। तो निफ्टी का जैसे जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था तब पी था 19 के आसपास, 2020 में जब करेक्शन हुआ तब 20 था। तो आप डिफाइन करिए कि अगर निफ्टी का पीई 20 के आसपास जाता है या 19 के आसपास जाता है, तो रेस्पेक्टिव मेरा इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को वहां से विड्रॉ कर दूंगा। केस हो सकता है कि आप देखिए बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, कि अगर 70,000-80,000 हो गई है, या फिर ऑन अ लेसर साइड अगर 4 times गिर गई है और 20 पे अभी स्टेबल है $20,000 पे, तो अब लग रहा है कि यार लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बॉटम आउट हो गया है, तो इसमें आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। आप इंटरेस्ट रेट साइकिल या क्रेडिट साइकिल को देख सकते हैं। अगर जैसे US में अब इंटरेस्ट रेट अराउंड 3-3.5% है, और अगर 4.5-5% करती हो जाती हैं और इन्फ्लेशन नीचे आने लग जाता है, तो आपको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होने वाली है। देन पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इनटू डेट, तो आप डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट आपको देखना और जज करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बेसिस पे आपको अपना रीबैलेंसिंग करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और बेस्ड ऑन दिस आप कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं। और एक आखिरी सिनेरियो मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो ही अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और आपको इन्वेस्टमेंट एग्जिट करना ही है, सो इन केस मेक श्योर कि अगर कोई इमरजेंसी होती है
वॉट एवर दैट बी, बी अ डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, कोई डेट आप पे आ जाए या आपको बिजनेस में लॉस हो जाए या फिर आपको आप एक्सीडेंट हो जाए, तो उन केसेस में आपको एग्जिट करना है एंड यू शुड नो कि कौन से मेरे एग्जिट होने चाहिए इन इमरजेंसी सिचुएशन में। आइडियली कोई लिक्विड पैसा वाला जो इन्वेस्टमेंट है जो आप जल्दी से विड्रॉ कर सकें, स्पेशली इक्विटीज, रेस्पेक्टिव वो नीचे हो या ऊपर हो, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट आपको एग्जिट करना पड़ता है। सो इन केसेस में आप ऑलरेडी प्लानिंग करके चलिए कि हाँ ये मेरा लिक्विड वाला फंड है या ये मेरा डेट पोर्टफोलियो है या मेरा गोल्ड पोर्टफोलियो है जो मैं इजिली लिक्विडेट कर सकता हूँ। लिक्विडेट कर सकता हूँ का मतलब है कि आप इजिली उसको बेच सकते हैं मार्केट में, आप गए मार्केट में तुरंत आपको पैसा मिल गया और आपने इमरजेंसी में अपना काम आपका हो गया। तो ये आपको पैसा या तो लिक्विड आप एक इमरजेंसी फंड में रखिए, और अगर आपने इमरजेंसी फंड में नहीं रखा है तो उसकी आपको प्लानिंग करनी चाहिए जहाँ से आपको पैसा इजिली इंस्टेंटली मिले और आपकी इमरजेंसी सिचुएशन कूल डाउन जब तक नहीं होती उस पैसे को आप यूज कर सकें। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जिट स्ट्रैटेजी जो आपको यूज करनी चाहिए। ये मैंने हमने ब्रॉडली करा है, यू कैन ऑब्वियसली लुक एट देम इन मोर डिटेल, और अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलती है एंड यू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेबल है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।